दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, कृपया करके इस वीडियो को अपने दिल पे मत लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है और इस वीडियो पे कृपया करके कोई भी स्ट्राइक ना डाले। अगर किसी भी कंटेंट से कोई भी दिक्कत हो तो कृपया करके हमसे मेल से कॉन्टेक्ट कीजिए, हम उनका कॉन्टेंट हटवा देंगे, ये तो स्ट्राइक ना डाले। सबसे पहले तो गाना आप सुन लीजिए, ये जो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है ना वो तबला तोड़ है भाई, जब भी मैं सुनता हूँ ना मजा आ जाता है। बस चैनल दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है अपने चैनल में। हालांकि हम ये चैनल बहुत दिनों के बाद एक्टिव हुआ है, यानी कि बहुत दिनों के बाद में यानी वीडियो में बैक आया हूँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी है, बाकी की बाद में तो बाद में होती रहेगी, बाकी सब कुछ भीखा खाना तो हम बाद में खा लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे है हमारे हो चुके हैं 1000 नहीं ज्यादा है उससे 1.68 million हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, लेकिन पहले अभी तो के तक तो पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं कंप्लीट पूरे के पूरे 1000 सब्सक्राइबर और इसी बात पे तालियां। चलो आप तो ये तो हो गई हमारे चैनल की खुशी वाली बात, तो अब हम आते हैं सीधा का सीधा फ्री का खाने के ऊपर। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यहाँ पे जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे कहीं पे दो बटन होगा सब्सक्राइब का, फोकट है, पूरा फोकट है ये, इसका कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे अपन, और लेट भी हो तो भी फोकट, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो चलो अब आते हैं हम यहाँ पे इस, ये दिख रहा है पीछे, दिख रहा है ये, नहीं भी दिख रहा होगा तो सबको पता ही होगा, तो यहाँ पे ये फोटो देख लो। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्सियत के बारे में, शख्सियत शख्स जो कुछ भी होगा, ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले जो कि जन्मों जन्मों से भूखी है, पता नहीं जन्मों जन्म से भूखी है या इस जन्म में आके ऐसा पगलाने वाली काम कर रहे। तो आज हम बात करने वाले 24th century के सूर्पनखा और कुंभकर्ण के बारे में। कोई सेंस है इस बात की? तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने अभी लेटेस्ट में वायरल हो चुकी वो जोमेटो बॉय डिलीवरी बॉय और ये सूर्पनखा मिनी वाली सूर्पनखा यानी कि हितेशा चंद्रानी, इसके बारे में आपने बहुत सारे अखबारों में या फिर बहुत सारे न्यूज मीडिया में या और सोशल मीडिया में तो चल ही रहा है भाई, ट्रेंड उसका चल ही रहा है, लेकिन आज हम बताएंगे इसी कहानी का एक दूसरा वाला पहलू। बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो सामने आने के बाद बहुत सारे लोगों ने तो मतलब आप लोगों ने तो हद कर दी, टैग कर करके जोमेटो को। हितेशा नाम का कोई इन्फ्लुएंसर भी एग्जिस्ट करता है और कौन से कंट्री में एग्जिस्ट करता है और कहाँ का एग्जिस्ट करता है ये हमको तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे सब लोगों ने वो डाल के मतलब वायरल कर दिया। और उसके जहाँ पर हम देख सकते हैं अभी ये तो आंकड़ा मुझे पता नहीं, जहाँ पे मतलब हार्डली उसके 10K फॉलोअर्स थे यानी कि 10,000 फॉलोअर्स थे उसके, अभी ये सब भसड़ मचने के बाद यहाँ पे 100K फॉलोअर्स हो चुके, यहाँ पे हम बैठे बैठे मेहनत कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और फिर हम वायरल नहीं हो रहे, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं है उसके ऊपर तो बाद में आएंगे। हालांकि तब जब हितेशा का वीडियो वायरल हुआ तब हमको सबको हितेशा की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था, लेकिन जैसे ही कामराज का वीडियो आया तो हम डाइवर्ट हो गए कामराज की तरफ, हमको सबको लगने लगा कि यार नहीं कुछ तो कुछ मतलब दाल में कुछ तो काला या फिर पूरी दाल ही काली है। देखो ये सब मतलब एक मतलब जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, अगर किसी को नहीं पता होगा कि ये जोमेटो और ये फ्री का खाना और फ्री के फॉलोअर पॉपुलैरिटी ये सब मैं क्यों बात कर रहा था, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे एक लड़की थी, लड़की ने ऑर्डर किया जोमेटो से कुछ 150 रुपए के मोमो, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद यहाँ पे हुआ क्या, जोमेटो ऐप में जो टाइम बताता है डिलीवरी अराइवल वो बताया था कुछ अराउंड 4:46 द डिलीवरी पर्सन केम, बट अगर हम 59 मिनट्स कैलकुलेट करें तो ही शुड बी देयर बाय 4:31 क्योंकि 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था, तो बंदा 4:46 पे आया, 15 मिनट पकड़ लो, 15 मिनट की देरी हो चुकी थी, लेकिन 15 मिनट में इतना कुछ हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया,
वर्ल्ड वॉर का मतलब वर्ल्ड वॉर को भी पप्पा हो गया, जो सब कुछ तबाह हो गया, क्या पता नहीं क्या हुआ कि। और ये जो लड़की है वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर बताती है, अपने आप को इंस्टाग्राम पे या पे बायो में भी उसने डाला इन्फ्लुएंसर वो सब फलाना। मतलब आजकल तो मतलब सभी मतलब कोई एरा आ रहा है मतलब इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, मतलब ये हो कह रहा है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मतलब बस एक बार सोच के देखो यार, मतलब कोई जोमेटो बॉय आता है मतलब एक्टिंग ही करके दिखा दो भाई, अब मतलब ऐसा होगा नहीं। तो ये आ गया जोमेटो बॉय के लिए कुछ डिलीवरी पार्सल होना चाहिए। तो मान लो ये बेल है, टिंग टॉन्ग, ये बेल बजाई, मैडम आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया और मार के मुक्का मारा, ऐसा मुक्का मारा ना भाई, मतलब ये कोई सेंस है इस बात की। मतलब ये होती है ना मतलब क्रिएटिविटी की भी इनटू 100। तो चलो के देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो वो दीदी क्या कह रही थी वो देखते हैं। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this, he hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with him. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। इतनी गंदी एक्टिंग तो मेरी खुद की नहीं है भाई, चुप कर बे कुत्ते, इतनी बेकार एक्टिंग मतलब क्या है यार, इतनी बेकार। और ये अपने आपको खुद को मतलब इन्फ्लुएंसर बता रही है, मतलब कौन से इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर हो भैया तुम लोग। मतलब ये इन्फ्लुएंसर बताती है ब्यूटी की, यानी कि ब्यूटी आजकल मतलब हर गली नुक्कड़ पे मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी घर पे मतलब कोई ना कोई तो फैशन इन्फ्लुएंसर मिल ही जाएगा, मेकअप आर्टिस्ट मिल ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी सी बात नहीं। And meanwhile, the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here, and ran off. Please share this video with everyone. फिर सबसे पहले बात तो आपका जो 4XL या 5XL जो मुंह है वो एक स्क्रीन में आ नहीं रहा, उससे उसके बाद तो आप 50-60 फिल्टर लगा के आप वीडियो बना रही हो। मतलब सोच लो किसी ने आपका किसी मतलब किसी से झगड़ा हुआ है या फिर किसी से धक्का मारा है और आप आते ही करते क्या हो, ये मोबाइल उठा है, ये फिल्टर लगा है। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है, ये ऐसा हो रहा मतलब मतलब सबसे पहले ऐसा होने के बाद सबसे पहले हाँ मतलब मैं पर्सनली मेरी बात करो, आप लोगों को पता नहीं मतलब मुझे 100% गारंटी है कि 99.9% लोग जो इंसान होते हैं वो तो यही करेंगे कि मतलब ये इतना खून भरा है सबसे पहले चलो मेडिकल में या फिर मतलब मेडिकल लेने के लिए चलो या डॉक्टर के पास चलो, ये सब ड्रेसिंग वेसिंग करा लो। लेकिन नहीं, ये है इन्फ्लुएंसर जिसको बढ़ानी थी अपनी फॉलोअर्स और आप उसको दे रहे हो। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this. He hit me. नहीं मतलब क्या सेंस है, मतलब ये वीडियो बनाने का क्या सेंस है, पड़ोसी के बच्चे डर रहे हैं, मतलब क्या करना, पड़ोसी के बच्चे किडनैप कर ले या फिर मतलब ये मिसाल कायम करनी, बेटा सो जा वरना हितेशा आ जाएगी। मतलब मुझे ना अब एक जोमेटो पे डाउट होने लगा है, मतलब हर साल इसने कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करनी है। हाँ ये कर लो पहले। मतलब चल क्या रहा है ये, पिछले अगर आपको सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, ये वाला सीन वायरल हुआ था, पता नहीं मतलब ये कह रहे थे लोग कि इसने डिलीवरी दी और कुछ महीने बाद उस जिसको इसने डिलीवरी दी उसने डिलीवरी दी, समझ रहे हो, समझ गया। दूसरे मतलब उसके बाद में वायरल हुआ था ये वाला इंसेंटिव वाला मतलब स्माइल वाला, वो ये वाला इंसान उसके बाद वायरल हुआ था, एक अंकल जी थे मतलब कोई तो वो लोग वो क्या करते थे मतलब कोई भी अगर जोमेटो का ऑर्डर आता था तो वो तो पहले 2 चम्मच खा लेते हैं बाद में डिलीवरी देते थे किसी भी जिसके क्लाइंट का भी था वो। उसके बाद अभी वायरल हो गया ये, नहीं मतलब इस साल तो मतलब हद ही कर दी जोमेटो ने। मतलब यहाँ पे जोमेटो ने सोचा कि मतलब ये छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सी है, छोटे मोटे मजा नहीं आ रहा है तो हमको चाहिए बड़ी वाली कॉन्ट्रोवर्सी। तो इस साल उसने रख दिया वाले ने डिलीवरी बॉय रखा, प्रो अंडरटेकर डबल एक्सएल WWF के होनहार खिलाड़ी अंडरटेकर प्रो मैक्स डुबली मैक्स को, ताकि लोगों के बुक्का मार के हम कंट्रोवर्सी में आ जाए। देखो ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। सबसे पहली बात तो मतलब जिस टाइम इस लड़की का वीडियो यानी कि हितेशा का वीडियो वायरल हुआ तब मुझे लगा कहीं ना कहीं देर यार हाँ ठीक है हो सर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही यार मेलो ने कंप्लेंट कोड सिद्ध ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತಿರೋಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಶಾಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಗದಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮನೇಲಿ ತುಳಿತಿದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಕಾಮರಾಜ್ ಕಾ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಹುವಾ ಔರ್ ಮೈನೆ ದೇಖಾ।
तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है इसमें, मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। नहीं नहीं अभी और सुनिए। But he refused to take the order back and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you're asking me to wait for such a long time, what the hell and so it was really threatening for me and I got scared and I tried shutting my door so that you know he could not harm me, but before that he pushed the door and he was so huge मतलब so huge, जितना उसका टोटल पेट है ना दीदी उतना वो तो आपका मुंह है, उससे ज्यादा भी मुंह शायद से मुंह होगा आपका। अच्छा तो यहाँ पे और एक बात गौर कर, मतलब आपने गौर किया नहीं पता नहीं है, लेकिन और एक बार बताना चाहता हूँ दीदी के, अगर आपके पिछले वाले इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स देखे तो दीदी को देख के ऐसा फीलिंग आता है कि मतलब कटरीना कैफ को थोड़ा सा उबल के पेश कर दिया हो, नहीं कटरीना कैफ को नहीं दीपक का लाल ठीक लग रहा है मेरे को, इतनी प्यारी लगती है इतनी सुंदर लगती है बस। उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है। इतना बड़ा कट अगर मुझे लग जाता तो पता है क्या होता, मैं तो बेहोश हो जाता, कोमा में चला जाता 5-6 साल, मतलब 5-6, 50-60 साल। तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई तुम, मतलब इतना बड़ा कट लेके भी मतलब अच्छी खासी इंटरव्यू दे रही हो। लेकिन एक मिनट, मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकालते, रुको जरा सबर करो। को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते हुए धक्का मारा। अब तो सच बोल दे, मतलब खुद का दिमाग बहुत तेज चलाते हुए इसने और एक गलती कर दी कि खुद की अंगूठी खुद ही ने दिखा दी। लेकिन ये एक चीज भूल गई कि वो कैमरा का है वाइड एंगल, यानी कि उसमें वो पूरी की पूरी कवर हो रही है, यहाँ पे एक हाथ नहीं दूसरा हाथ भी कवर हो रहा है। और अगर उसने दिखाई ये वाली, उसने क्या कहा पहले कर दे, चोट लगी है और इन्होंने अंगूठी भी देख सकते हैं, इस अंगूठी से चोट लगने का मुझे कहीं से भी कोई ताल्लुकात नहीं लगता है। आप ध्यान से नोटिस कीजिए इसके पूरे एजेस एकदम ब्लंट हो गए हैं क्योंकि ये 5-6 साल पुरानी अंगूठी है, तो इससे चोट, और मैं खुद को लोगों को दिखाने के लिए मैं अपना नाक क्यों तोड़ूंगी। ओके ये अंगूठी हो गई है, मतलब ठीक है चलो मान लिया ये अंगूठी है ब्लेंड, मतलब 5-10 साल जो कुछ भी है वो पहन चुकी है। लेकिन वो दूसरी वाली हाथ की अंगूठी दिखाना जरा। ठीक है दोनों हाथों में एक एक अंगूठी है, एक अंगूठी नॉर्मल है और एक इतनी पैनी नुकीली है कि वो तो आपकी रूह खींच के बाहर निकाल दे, नाक पे खरोश तो बहुत छोटी बात है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक, दूसरे हाथ में जो उसकी रिंग थी वो तो उसने दिखाई नहीं, सिर्फ ये वाली हाथ की रिंग दिखाई और बोली ये रिंग देख लो यहाँ पे, इसकी मतलब पूरे जो एजेस है वो ब्लेंड हो चुके हैं, 5-6 या 10 साल से मैं पहन रही हूँ। लेकिन इस वाली हाथ में जो है वो डायमंड वाली या मतलब चाइना 5-10 रुपए की जो रिंग थी वो रिंग उसने दिखाई नहीं, क्योंकि पूछ को पता है अगर वो रिंग दिखी तो मतलब हम फंस जाएंगे, क्योंकि वो रिंग ऐसी है कतई, मतलब अगर वो रिंग भी लग जाए ना तो इंसान के अंदर की रूह खींच के बाहर निकल ले बे वो रिंग। छोटा सा स्क्रैच तो मतलब उसके रिंग के सामने मामूली है, कतई शार्प एजेस है इस रिंग के। एक बात और एक आपको बता दूं कि सोर्सों की माने तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये देखो यहाँ पे फोटो मैंने डाला है, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल की माने तो ये अभी ये जो हितेशा है वो उसकी केस वापस लेना चाहती है, लेकिन यहाँ पे तो बेंगलोर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए है। भाई देखो दीदी अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी ये केस गया पूरा का पूरा वायरल हो चुका है ना, अभी तुम ना वापस नहीं ले सकती ये केस। तो यहाँ पे और एक अगर बात करूँ तो ये जो दीदी है बेंगलोर से निकल चुकी है यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, मतलब पता नहीं कहाँ पे गई है, कोई कुछ लोग बोले महाराष्ट्र या फिर मुंबई, महाराष्ट्र में कहीं पे तो किसी रिश्तेदार के घर में आ चुकी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कोलकाता में गई है, कुछ लोग बोल रहे हैं मुंबई में गई है, अभी एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं कि हम किसी को भी पता नहीं कि ये कहाँ पे जा रही। लेकिन बेंगलोर पुलिस ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमने उससे बात की है, वो बोल रही है कि बहुत सारे लोगों को मेरा एड्रेस वायरल हो चुका था, बहुत सारे लोगों को एड्रेस मालूम हो चुका था, इसकी वजह से सेफ्टी रीजन की वजह से मैं एक फैमिली के घर पे यहाँ पे रह रही हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे मजेदार चीज और है कि एक यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है यहाँ पे बहुत तेजी से कि जहाँ पे ये जस्मिन कुछ जो कुछ भी नेहरा करके कुछ तो एक लड़की है, वो अपने आप को बोल रही है कि मैं उसकी रूम पार्टनर थी, यानी कि उसने जो एक वीडियो के ऊपर कमेंट दिया है, मैं आपको वो कमेंट बताता हूँ। हितेशा वाज माय रूममेट ऑलमोस्ट 3 इयर्स इन बैंगलोर, शी यूज्ड टू टेक फ्री पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज एंड पिज्जा हट इन द पास्ट एज वेल। लबोसडी के बेटे बेटे
यानी कि यहाँ पे उसकी दोस्त है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं उसके साथ तो नहीं रहता था ना, हम किसी मतलब मैं किसी के जज नहीं कर रहा ये सच्ची बोल रही है झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ पे ये लड़की कह रही कि उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स है कि ये प्रूफ कर सके कि वो यूज टू है यहाँ पे, कि मतलब ये उसकी हैबिट है कि डिलीवरी बॉय से फ्री फूड ले रही है, यानी कि कि आप लोग तो इतने होशियार तो हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में आप बात कर सके और समझ सको। चुप कर बे कुत्ते। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना तो पूरा का पूरा फ्री है यार, फ्री का अगर आपको मिल रहा है तो फ्री का सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे हम अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके, अगर आपका ऐसा ही प्यार रहा तो शायद से 2000 भी कंप्लीट कर ले, 2 लाख भी कंप्लीट कर दे, मुझे नहीं पता हम आगे कितना कंप्लीट करेंगे, लेकिन फ्री का है यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने रखते, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएप डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।